आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का 16वां अध्याय। राजा पृथ ने कहा कि नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। आप हमें ये बताइए कि उस समय वो राहु पुरुष छुटकर कहाँ गया था। तो नारद जी ने कहा कि उसे छूटने पर तो वो बार्बर नाम से अनजान ही हो गया, और मानो उसका तो नया जन्म पाकर वो धन्य ही हो गया, और नया जन्म पाकर वो अपने धीरे धीरे जालंधर के पास चला गया, और वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। और ये सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया, और सब दैत्य ने सेना सजाने की आज्ञा दे दी, और शुंभ और निशुंभ सब महाबली दैत्य तैयार होने लगे, और एक से एक बड़े महाबली करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल गए। और उधर सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला, और उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सब के सिर राहु हुआ। फिर उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर जमीन पर गिर गया, आकाश में ना बादल छा गए और बड़ा अपशगुन हुआ। उधर इंद्र और सभी देवता इकट्ठे होकर कैलाश पर्वत पर शिव जी से जब सब बात बताने लगे, तो वो उन्होंने ये भी कहा कि जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, और वो तो उनके वशवर्ती हो गए। लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते थे, और अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वो सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं को ये सब कुछ सुन शंकर जी भगवान विष्णु से पूछा, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने कहा, हाथ जोड़कर कहा कि शिव जी, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा था। वो बड़ा ही वीर है और सब देवताओं में अजेय है। मैं सच कह रहा हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने जवाब दिया कि मैं स्वयं उसके घर में रहने का उसे वर दे दिया है, मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप ये क्या कह रहे हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा जाना जाने, और आप अपने स्थान पर जाएं। ये सब शंकर ने कहा, और सब देवता अपने स्थान पर चले गए। और उस समय वो पराक्रमी जलंधर अपनी बड़ी सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर उन सबको ललकारने लगा। और ये सब देखकर दैत्य के नाद और कोलाहल के शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपनी नंदी को और बाकी सब गणों को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा भी दे दी। कैलाश पर्वत के पास युद्ध होने लगा, और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वहां बरसने लगे। भैरी मृदंग शंख और तीर, हाथी घोड़े रथ, ये सब इधर उधर भागते, और उनसे धरती कांपने लगी, और युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े ढेर लग गया उनका, जिससे युद्ध भूमि और भी आग में हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे, और ये देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए, और उनके पास जाकर सारी बात सुनाई। और भगवान ने ये बात सुनकर क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही, और वो अपने भयंकर रूप से दिशाओं में प्रज्वलित करने लगे। और फिर उसी समय उनके मुख से एक बड़ी कन्या पैदा हुई, और वो दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वो युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को मारने लगी, और भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, और जल्दी ही उनको भी पेट में गुप्त कर लिया, और फिर वो खुद भी गायब हो गई। शुक्र के गायब हो जाने पर दैत्य का मुख तो मैला पड़ गया, और वो सब युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर है ना अनेक शुंभ और निशुंभ और कालनेमी सभी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। ऐसे ही शिव जी ने नंदी और वीर गणों, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्य से बहुत खतरनाक युद्ध किया। धन्यवाद अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें। धन्यवाद।